हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको टावर होम थिएटर होता है उसके वायरिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक टावर होम थिएटर है जो कि 2.1 है और ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है, देख सकते हो। मैंने इसको इसलिए खोला था क्योंकि यहाँ पे जो इसका वायरिंग वाला पार्ट है दोस्तों, इसके बैक वाला पार्ट मैं आपको दिखा दूँ। ये वाला पार्ट है, उसमें लगभग वायरिंग टूट गया है पूरे तरीका से। तो इसका हम पहले सारा कनेक्शन हटाएंगे और मैंने इसलिए खोल कर रखा है मेरे दोस्तों, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन सा वायर यहाँ पे जो आया हुआ है अंदर से, तो कौन सा हमारा कनेक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको खोल रखा है। तो दोस्तों, ये जो होम थिएटर टावर है, इसका पूरा वायर एक तरह से यहाँ पे टूट चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफार्मर का और सब ऊपर का, यहाँ पे ये सब ऊपर का वायर है, इसका सब ऊपर उस साइड है, तो इसका कनेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है। तो मैं आपको कनेक्शन दिखा दूँगा यहाँ पे लास्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से इसका तार टूट चुका है। तो मैं आपको बारीकी से सभी को स्टेप बाई स्टेप कनेक्शन करके दिखाऊँगा। और यहाँ पर हम सभी वायर को पहले यहाँ से बोर्ड से हटा लेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा वायर हमारा किसका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कि सभी वायर को हम एक एक करके थोड़ा अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम सभी को पहले हम अलग वायर कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो वायर आप देख रहे हो, इसमें 6 वायर है ये वाला। तो इसमें जो 6 वायर है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 वायर यहाँ पे लगा हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, कि इसमें हमें वायर को चेक करना है कि कौन सा कलर हमारा किस में जाता है। ये जो आप हरा, ब्लू और उजला देख रहे हो, ये हमारा बेस के लिए जाता है, और बाकी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन है। तो जो पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन है दोस्तों, वो यहाँ पे जो हमारा कार्ड होता है, तो कार्ड का लेफ्ट राइट इस दोनों वॉल्यूम में दे दिया गया है, और बाकी बीच से जो हमारा ऑडियो आउटपुट होता है, वो हमारा पीला कलर और लाल कलर में दे दिया गया है, और बाकी जो हमारा ग्राउंड है वो हमारा यहाँ पे सही है। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे वायर को हम चेक कर लेंगे, उसके बाद हमें नीचे जो इसका बोर्ड है उसका कनेक्शन करने में आसानी होगा। तो चलिए, इसका हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, कि यहाँ पे जो इस बोर्ड का प्रिंट है, और यहाँ पे हम सबवूफर का वायर को हम यहाँ पे कनेक्शन हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बोर्ड है इसमें आसानी हो सके वायरिंग करने में। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा लिया है। और दोस्तों, मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे जो 6 पिन आया हुआ था, तो उसमें यहाँ पे सबसे पहले हम बेस का कनेक्शन करेंगे। तो ऊपर में आप बेस का यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें जो बेस का जो कलर है, उसमें इसमें व्हाइट है, ब्लू है और ग्रीन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ग्रीन वाला होगा दोस्तों, वो हमारा ग्राउंड होगा, और बीच वाला तो हमारा ऑडियो आउटपुट होगा, ये वाला हमारा बेस इनपुट होगा। तो इसका कनेक्शन हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे जो 3 वायर आता है, तो ये 3 वायर हमारा पोटेंशियोमीटर में आ जाता है जो कि बेस में जाता है। तो ये 3 वायर हम इसमें करेंगे, जो ये बोर्ड पे आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला बोर्ड को कुछ इस तरीका से रखेंगे। मैं आपको बोर्ड को भी दिखा देता हूँ उस साइड से, ताकि आपको पता चल सके कि किस टाइप का ये बोर्ड है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, इस टाइप का ये बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला 3 आपको पिन दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा बेस का है ये वाला 3ों, ठीक है। ये हमारा पोटेंशियोमीटर का हो जाता है, तो इसको हम इस साइड से रखेंगे यहाँ पे। तो ये 3 पिन आपको दिख रहा है ऊपर से, ये हमारा बेस का है। तो बेस वाला जो हमारा वायर आ रहा था, जो पोटेंशियोमीटर में ये कलर है, तो जो हमारा ग्रीन कलर है दोस्तों, वो हमारा ग्राउंड है। तो उसको हम ग्राउंड के साथ यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, ये जो आपको पिन दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा ब्लू कलर है, आप पोटेंशियोमीटर में देख पा रहे होंगे, तो उसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे, बीच वाले को बीच में। और जो हमारा व्हाइट वाला है, जो कि बेस इनपुट होता है, उसको हम इस वाले पिन में हम कनेक्शन कर देंगे। चाहे तो आप इसमें भी कर सकते हो कि किसका प्रिंट ये यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीका से आप पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन कर सकते हो, जो कि बेस कंट्रोल करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे
ग्रीन वाला हमारा ग्राउंड है तो उसको मैंने ग्राउंड के साथ किया है, और बीच वाला को बीच वाले के साथ, और बाकी जो हमारा व्हाइट है उसको व्हाइट वाले के साथ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों कि इस वायर में हमारा तीन कलर बचा हुआ है, तो तीन कलर ये हमारा जो मेन हमारा पोटेंशियोमीटर है वॉल्यूम का उसका है। तो यहाँ पे जो बीच वाला हमारा वायर जो पोटेंशियोमीटर का होता है उसमें पीला कलर और लाल कलर का दिया गया है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे दोनों पिन को ग्राउंड करके वो ग्राउंड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे आप तीन पिन देख रहे हो उसमें हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो जो बीच वाला है दोस्तों वो हमारा ये जो साइड वाला है वो हमारा ग्राउंड है, और बाकी ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर के बीच से दो वायर आता है लेफ्ट और राइट का, तो उसका कनेक्शन हम यहाँ पे सिंपली कर देंगे। तो ये हो गया है पोटेंशियोमीटर का जो कि साउंड कंट्रोल करेगा, और ये हो गया बेस का, ठीक है। कनेक्शन हो गया है जो कि फ्रंट का यहाँ पे लगा होता है, ये बेस का और ये इसका, और इनपुट ऑडियो इनपुट यहाँ पे एक मॉड्यूल लगा हुआ है, तो ऑडियो इनपुट डायरेक्ट यहाँ से इसको दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कोई इतना खास वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं होगा, अगर टूटा होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ से जो ऑडियो इनपुट यहाँ से ऑडियो आउटपुट होता है तो आप इसका कनेक्शन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये वाला आपको भाग दिख रहा है, यहाँ से इसका कनेक्शन कर सकते हो। उसके बाद क्या है दोस्तों कि इसमें और एक वायर बचा हुआ है, ये वाला वायर, तो हालांकि यहाँ पे इसका कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो वायर है दोस्तों ये हमारा मॉड्यूल का है, आप मॉड्यूल देख रहे हो, तो इसमें ऑडियो इनपुट होता है। जब हम इसको ऑक्स मोड पर रखेंगे तो यहाँ पे तीन वायर आता है जो कि हमारा लेफ्ट राइट और ग्राउंड होता है, ये बीच वाला, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो ये तीनों पिन जो है हमारा यहाँ पे लेफ्ट राइट और ग्राउंड का होता है ये वाला। तो यही तीन वायर हमारा जो इसमें इसके बैक वाले भाग में हमारा आता है, जो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला भाग इसमें आ जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा RCA सॉकेट लगा हुआ है। तो इसमें तीन पिन बने होते हैं, एक पिन होगा आपका ग्राउंड, बाकी दो पिन इसमें लेफ्ट राइट होता है। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन किया गया है, और ये जो रेड वाला आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये रेड वाला हमारा जो आगे कार्ड लगा हुआ है उसको 5 वोल्ट देने के लिए ये हमारा रेड वाला वायर लगा हुआ है। तो इसका कनेक्शन हम कहाँ करेंगे दोस्तों कि जहाँ पे हमारा 7805 का कनेक्शन होगा, यहाँ पे रहा मेरा 7805, तो इसका आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, तो इसको सिंपली हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पे RCA सॉकेट में यहाँ पे आउटपुट के लिए भी दिया गया है, तो यहाँ पे ये वायर टूट चुका है, तो इसको हम सही से कनेक्शन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने तीन वायर को सोल्ड किया है, तो जो बीच वाला हमारा रेड है वो हमारा ग्राउंड है, और बाकी ब्लैक वाला और येलो वाला हमारा लेफ्ट राइट आउटपुट के लिए हो जाता है। तो जो यहाँ पे स्पीकर आउटपुट का जो सॉकेट बना हुआ है दोस्तों, जो यहाँ पे बना है ये वाला, ये तीन पिन आपको दिख रहा है, बीच वाला ग्राउंड है, बाकी दोनों हमारा लेफ्ट राइट है। तो इसका कनेक्शन हम सिंपली इसमें कर देंगे, ये आप देख पा रहे हो बीच वाला हमारा ग्राउंड है, बाकी ये दोनों हमारा लेफ्ट राइट है, तो उसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे। तो ये हमारा तीनों स्पीकर का वायर हो गया है जो कि यहाँ पे आउटपुट के लिए होगा। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा फ्रंट पे जो दो स्पीकर लगे होते हैं उसका दो वायर हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वायर को हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे ये दोनों स्पीकर का दो दो वायर आया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि एक एक वायर को हम एक साथ जोड़ लेंगे जो कि हमारा ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये ब्लू वाले को और ब्लैक वाले को दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, दोनों स्पीकर का एक पिन हमारा ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद जो दो वायर बचा है दोस्तों वो हमारा लेफ्ट राइट स्पीकर के लिए हो जाएगा। तो जहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका कनेक्शन किया था ठीक उसी में इसका हम कनेक्शन कर देंगे। तो जो हमारा स्पीकर का वायर है ब्लू वाला और ब्लैक वाला, ये दोनों हमारा ग्राउंड है, तो ये बीच वाला जो पिन है दोस्तों वो हमारा ग्राउंड है, तो उसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्शन कर देंगे।
तो यहाँ पे भी हमारा ग्राउंड आ रहा है, तो इसका कनेक्शन हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो दो हमारा स्पीकर का है तो इसका प्रिंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कर देंगे, और इसका प्रिंट यहाँ पे आता है, इसको हम यहाँ पे कर देंगे। तो जो हमारा फ्रंट वाला स्पीकर है उसका दो वायर एक साथ मैंने यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, बाकी जो एक एक वायर बचा है उसको मैंने इस दोनों का जो प्रिंट यहाँ पे आता है उसमें मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा स्पीकर का हो गया है, लगभग हमारा यहाँ पे हो चुका है दोस्तों। और उसके बाद क्या करेंगे, तो सब ऊपर का वायर रहा मेरा दोस्तों ये वाला, तो इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जो हमारा यहाँ पे दो प्रिंट आपको दिख रहा होगा अंदर की ओर, वो यहाँ पे वो हमारा सब ऊपर का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका कनेक्शन कहाँ पे होगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ट्रांसफार्मर का कनेक्शन ठीक ही था, और ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पिन, ये हमारा सब ऊपर का एक मेन है, और बाकी एक को हम ग्राउंड में कनेक्शन कर देंगे जो हमारा यहाँ पे सब ऊपर के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा ये हो चुका है सारा कनेक्शन। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम ऐसे ही खुले में इसको चेक करेंगे कि ये हमारा वर्क करता है कि नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें सप्लाई आ चुका है, और वायरिंग इसका जो मैंने किया था वो पूरा ओके है। तो देख सकते हो यहाँ पे इसका लाइट आ चुका है। इसमें हम एसडी कार्ड लगा कर आपको चेक कराते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमारा वायरिंग पूरा सक्सेसफुल रहा। दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।